पूरा एसी का नजारा दिया मेरे को फील ही नहीं हुआ कि गर्मी है। और दूसरी बात पानी गिरने की, पानी तो भाई हल्का फुल्का गिरता है, चलो मान लो अगर आप 300-400 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो एक आधा लीटर गिर भी सकता है, लेकिन गिरता नहीं है पानी। घंटे में एक लीटर खाती, 24 घंटे में 24 लीटर खा जाएगी, यानी 2400 रुपए का आपका डीजल हो जाएगा। तो भाई हमने कल, मैं वहां से जयपुर पार जैसे ही किया भाई, इतनी गर्मी थी कड़ाके की, मैं घर से कूलर तो उठा लाया था, लेकिन मैं सोचा यार कूलर चलती गाड़ी में क्या कामयाब है या नहीं कामयाब है, तो मैंने ट्राई किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरदीप सिंह, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट लाइव। तो दोस्तों बाहर देख सकते हैं काफी गर्मी है, क्योंकि भाई एसी गाड़ी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फेल हो जाती है हमारे आगे, क्योंकि हमारे इंडिया में आपको पता है कि डीजल कम से कम 100 रुपए लीटर मान के चलो, लेकिन भाई अगर हम देखा जाए कि एक दिन में अगर 24 घंटे की बात करें कितना डीजल गाड़ी वेस्ट खा जाएगी, कम से कम भाई अगर एक घंटे में एक लीटर खाती 24 घंटे में 24 लीटर खा जाएगी, यानी कि 2400 रुपए का आपका डीजल हो जाएगा। तो भाई उसके लिए हम जो है ट्रकों में एसी नहीं लगाते, ना ही हमारा हम फोर्ड कर सकते इतना बड़ा एसी लगा के, क्योंकि एसी लगाएंगे 10-10 20-20 मिनट आ जाए तो गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको। तो भाई उसी का लेकर सोल्यूशन आ चुका हूँ, एसी से बेस्ट है, कितना फायदा है इसका, क्या भाई ये कामयाब रहता है ट्रक के अंदर, क्योंकि आज बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं कूलर की, जो आप घर पे कूलर लगाते हैं उसी कूलर की बात कर रहा हूँ। तो भाई मेरे पास है भारत में, जो आपको पता ही है इस टाइम बाहर का अगर टेम्परेचर देखा जाए, देखो लू के चपड़े पड़ रहे हैं, लड़कियां आ रही बेचारी मुंह छपा कर हमारी बहनें, तो काफी गर्मी है इस टाइम भोपाल के अंदर मंडी द्वीप में है भाई। तो अगर देखा जाए यहाँ पे करीब मैं 40-42 टेम्परेचर है इस टाइम पे, तो मैं खाना खाने गया था काफी गर्मी लगी, उसके बाद भाई मैं आया सीधा 2 बोतल ये पानी की भर के लाया हूँ, ये देख सकते हैं 2 बोतल ये पानी की ठंडी लाया था भाई मैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे भाई ये जुगाड़ फिट कर दिया, सबसे बढ़िया भाई जुगाड़ लगा मेरे को ये, इसको बोल देते हैं हम मिनी एसी। मिनी एसी इसलिए भाई साहब, ये सारा सोल्यूशन करता है आपका। एक तो अगर हम बात करें, देखो मैं आराम से पड़ा हूँ यहाँ पे, लो जी चारों तरफ से मैं यहाँ पे अपना छोटा दोस्त कह सकता हूँ इसको, दोस्त इसलिए कहता हूँ, क्या बात ही कामयाब है भाई गाड़ी के अंदर कूलर, या ऐसे ही आपको कई बंदे वीडियो बनाकर बता देते हैं भाई नहीं कामयाब है, बेकार हो जाएंगे पैसे, बैटरी डाउन हो जाएगी, तो सारी चीजें बताऊंगा दोस्तों। ये मिल जाता आपको जैसे सरहंत जाते हैं आप, या फिर खामगांव जाते हैं वहां भी आपको मिल जाएगा कूलर, बहुत प्यारा मेरा दोस्त है भाई, भाई पूरी चिल्ट कर रखी है गाड़ी इसने भाई साहब। अगर कोई भी भाई ये कहना चाहता है कि यार नहीं यार गर्मी लगती है कामयाब नहीं है, तो भाई कमेंट सेक्शन में वो भी बता दिया करो, क्योंकि भाई आपको पता है इसको हम जो है भाई अब अगली वीडियो ले आएंगे कि कितना खर्च, तो इसका 3000 रुपये कहीं 2500 भी है, मान लो मोटा मोटे 3000 रुपये आप लगा के चलो कि 3000 अपनी गाड़ी में आप लगा दो आंखें बंद करके, और 3-4 साल आपकी रामदारी खराब नहीं होता, अगर खराब होगा भी तो इसकी पंप वगैरह खराब होता है वो 100-200-300 रुपये में मिल जाता है। तो दोस्तों इसको लगाने का आपको फायदा है या नहीं फायदा है, तो भाई देख लो यहाँ पे पंखा भी है, अगर चलती गाड़ी में आपने चलाना है तो ये पंखा आप इधर से ऑन कर दो, इधर के शीशे पूरे बंद कर दो, और इधर वाले भी शीशे आप अगर पूरे बंद कर दोगे, राइट वाले भी, राइट का भी बंद रखना, लेफ्ट का भी बंद रखना, ये क्वार्टर शीशा भी बंद रखना, पूरी गाड़ी आपकी पैक होनी चाहिए, एक आपको भाई इस तरफ जो है ओपन रखना पड़ेगा यहाँ पे देख सकते हैं हाँ। तो भाई हमने कल, मैं वहां से जयपुर पार जैसे ही किया भाई, इतनी गर्मी थी कड़ाके की, मैं घर से कूलर तो उठा लाया था, लेकिन मैं सोचा यार कूलर चलती गाड़ी में क्या कामयाब है या नहीं कामयाब है, तो मैंने ट्राई किया। तो मैंने पहले इसको भाई चेक किया, मोटर वगैरह ओके थी, क्योंकि पिछले साल हमने खोल के रख दिया था, तो मोटर वगैरह सारा कुछ ओके था, तो मैंने पानी डाला वहां पे, मैं क्या काम करे कूलर तो घरों में कामयाब करते, ट्रक में कहां चलती गाड़ी में पानी गिरेगा, सारी सीटें गिल्ली हो जाएगी। लेकिन भाई साहब बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि कूलर कामयाब नहीं है, मैं कहता पूरा एसी का नजारा दिया मेरे को फील ही नहीं हुआ कि गर्मी है। और दूसरी बात पानी गिरने की, पानी तो भाई हल्का फुल्का गिरता है, चलो मान लो अगर आप 300-400 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो एक आधा लीटर गिर भी सकता है, लेकिन गिरता नहीं है पानी, क्योंकि काफी रोड खराब है, अगर देखा आपने कोटा वाला कितना रैंप जैम्प होती है गाड़ी वहां पे, तो भाई 100% काम है कूलर आपका, एक तो डीजल बचा देता है, दूसरी बात आपको जो थकावट होती है नींद आती है वो चीज भी कूलर के अंदर नहीं आती है, तीसरी बात भाई बैटरों के ऊपर चलता है, एसी लगाना हो तो 40-45 हजार रुपये खर्चा जाता है, लेकिन ये सिर्फ आपको 3000 रुपये मिल जाता है, कहाँ मिलता है भाई हमारे को कमेंट भी करते हैं। इसका कामयाबी की पूरा 100% भाई सक्सेस है, देखो खड़ी गाड़ी है कूलर में भी, तो बैटरी आपकी जल्दी से डाउन नहीं होती है क्योंकि छोटा सा तो पंप होता है भाई इसके अंदर, और दूसरी बात आराम से लोग गर्मी में पड़े हैं हम कूलर में पड़े हैं भाई, ये छोटा भाई कह सकता हूँ मैं इसको भाई, तभी कहते हैं
कूलर भाई आप भी लगाओ, सक्सेस रहोगे। तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर भी दे दूंगा जो भाई कूलर खरीदना चाहते हैं उन भाइयों से। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना भाई। चंगा जी, कूलर सक्सेसफुल अपने ट्रक में लगाओ, गर्मी से बचो। और भाई आपको पता गर्मी में डॉक्टरों को भी हम 5,000 रुपये दे देते हैं, तो उसका भी आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। कूलर पूरा सक्सेसफुल है। चंगा जी, सत श्री अकाल। इसको अगली वीडियो बनाऊंगा, सोलर प्लेट से चलाएंगे। खड़ी गाड़ी है, 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन अगर आपकी गाड़ी खड़ी होती है तो बैटरी डाउन का आपको खतरा है। वो सोलर प्लेट अगली वीडियो कल को लेकर आऊंगा, सोलर प्लेट से हम इसको चलाएंगे। चंगा जी, सत श्री अकाल। गर्मी से बचे, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।